Welcome to today's video and welcome to our YouTube channel. Hope you're doing good, guys. I'm back with another haul video. मेरे channel पे चल रही है दुर्गा पूजा series, जिसकी तीन part में बना चुकी हूँ. ये part 4 है. Like मैं sarees haul बना चुकी हूँ, लहंगा चोली बना चुकी हूँ, कुर्ता set बना चुकी हूँ. So part 4 में मैं आज आपके साथ share करने वाली हूँ fusion wear. फ्यूजन वेयर इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना चाहती थी उनके लिए जिनको सूट सेट पहनना पसंद नहीं है, लाइक टिपिकल दुपट्टा कुर्ता सेट पसंद नहीं है, बट वो थोड़ा सा इंडियन टच चाहते हैं. सो उनके लिए हॉल परफेक्ट है, तो उनके लिए आज ही मैं हॉल लेकर आई हूँ. सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को ऐसे और भी हॉल्स वीडियो देखने के लिए. एंड कॉमेंट में आप मुझे जरूर से बताएं कि हॉल आपको कैसी लगी. लाइक मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करा है, तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपको ये हॉल कैसी लगी. सो जब भी मैं हॉल बनाती हूँ, सस्ते हॉल बनाती हूँ लाइक अंडर 500 or 600, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है. लाइक कोई भी कपड़े 600 में नहीं है, 700 में नहीं है, तो जो 7 दिन 10 दिन बाद भी देखते वो भी यही कॉमेंट करते हैं. तो इसलिए मैं जो भी खरीदती हूँ मैं उसका स्क्रीन शॉट आपको यहाँ पे दे देती हूँ कि आप को समझ में आ जाए कि मैंने इतने में ही खरीदा है, क्योंकि मिंत्रा मेरी खुद की कंपनी नहीं है और मुझे कम ज्यादा दिखा के कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है. ट्रस्ट बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए. अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ये चीज कभी हमारे बीच नहीं बन पाएगी. सो इसलिए अगर मैं 600 बोल रही हूँ तो वो 600 का ही है, अगर मैं 550 बोल रही हूँ तो वो 550 का ही है. ये आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. मैं हमेशा अपने ऑर्डर के डिटेल्स का स्क्रीन शॉट भी आपको दे देती हूँ कि आप चेक कर लें. सो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को आप भी समझे कि मिंत्रा की प्राइसेस बहुत अप एंड डाउन होते हैं. कभी कभी मैं बहुत महंगा ले लेती हूँ बट आफ्टर 2 डेज वो बहुत सस्ता मिलता है. तो ये चीज होते रहती है. कोई बोलता है लाइक टैगलाइन दिया है अंडर 600 अंडर 700. गाइस तो मैं बता दूं कि मैं, अगर आप शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं, शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं कभी भी अंडर 500-600 पे बिलीव नहीं करती. मुझे जो पसंद आता है मैं उसका हॉल बनाती हूँ. मुझे रिक्वेस्ट आती है देन मैंने 600-700 का मैं हॉल बना रही हूँ और उसका वो मुझे टैगलाइन देना पड़ रहा है. क्योंकि अगर मुझे पब्लिक को बेवकूफ बनाना हो तो मैं शुरू से ही अंडर 500 अंडर 600 अंडर 500 की हॉल्स बनाती, बट मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ. मुझे जनरली जो चीज अच्छी लगती है और जो मुझे पसंद आता है मैं उसका ही हॉल बनाती हूँ. चैनल पे कोई बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आती है इतने महंगे हॉल्स बना के, लाइक 10K 15K, बट फिर भी मैं बनाती हूँ इसलिए क्योंकि मैं आप तक कुछ अलग पहुंचाना चाहती हूँ, कुछ यूनिक पहुंचाना चाहती हूँ. क्योंकि 500-700 पे मुझे पता है कि बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे, लाइक जो भी गए हैं वो 40 जाएंगे 50 जाएंगे, बट मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि मैं आपको सस्ते हॉल दिखाकर व्यूज कमाऊं, कुछ भी दिखाकर व्यूज कमाऊं. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती. मैं सोचती हूँ कि मैं आप तक कुछ यूनिक पहुंचाऊं, कुछ नया पहुंचाऊं और थोड़ा कुछ डिफरेंट दिखाऊं, और मैं जो हूं मैं वो प्रेजेंट करूं. सो यही मेरी कोशिश होती है. सो आप प्लीज ये चीज को जरूर समझे. यहाँ पे मैं कोई बेवकूफ नहीं बना रही हूँ. 500-600 का गेम मैं बिल्कुल नहीं खेल रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मोस्टली महंगे हॉल्स ही मिलेंगे. होप आप थोड़ा समझोगे एंड ये रिलेशन में थोड़ा सा ट्रस्ट रखोगे, क्योंकि ट्रस्ट के बिना कोई रिलेशनशिप नहीं चल सकती है. सो मैंने आज बहुत ज्यादा बकबक कर ली, क्योंकि मैं दिल खोलकर बातें करना चाहती थी. कमेंट में मैं एक एक चीज का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ इसलिए. एंड आज जो मैंने वेयर करा है ये ब्लेजर एंड स्कर्ट एंड टॉप. सो गाइज ये मैंने शीन से खरीदी थी. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये ड्रेस मैंने अपने बर्थडे पे पहना था. सो बातें बहुत सारी हो गई, अब वीडियो शुरू करते हैं. सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो गाइज. माई फर्स्ट आइटम इज दिस ऑरेंज एंड नेवी ब्लू सॉलिड कुर्ती विद ट्राउजर. मटेरियल इज विस्कोस रेयॉन. ए लाइन नी अब कुर्ती है, हाइलो हेम के साथ है, मैंडरिन कॉलर है, फ्रंट पे बटन डिटेलिंग है. एंड कुर्ती के जो साइज है वो थोड़ी लूज है. मैंने इस पर मीडियम साइज मंगाया है. ट्राउजर की फिटिंग बिल्कुल ठीक है, तो लूज फिटिंग वाली हाइलो फिटिंग है ये, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है. एंड जिनकी भी थोड़ी टमी है उनके लिए भी परफेक्ट है. बहुत ही लूज कुर्ती है तो बहुत ईजिली ये हाइड हो जाएगी. एंड फ्यूजन लुक बहुत ही खूबसूरत इसकी लग रही है. जिनको भी टिपिक कल सलवार कमीज पहनना पसंद नहीं है उनके लिए परफेक्ट है. आप कोई भी हील्स डाल सकते हैं. मैंने इस पे ये झुमकी डाली हुई है गोल्डन कलर की, क्योंकि मुझे थोड़ी सी फेस्टिव लुक रेडी करनी थी. एंड पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही लाइट वेट है. सो मुझे इस कुर्ती सेट में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई. हाँ ये प्रिंट फॉइल प्रिंट्स है, तो ये हो सकता है कि माइट भी धोने पर यह निकल जाए, बट अभी मैंने इसे वॉश नहीं करा है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. बट अगर आपको ये पसंद है तो आप ले सकते हैं. एंड फॉइल प्रिंट को आप बहुत ही केयरफुली वॉश करेंगे तो वो नहीं निकले, क्योंकि मैंने लिबास के बहुत सारे फॉइल प्रिंट्स कपड़े धुले हैं पहने हैं, तो मैं उसे बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ. सो आई हाईली रिकमेंड दिस वन एंड आई रियली लाइक दिस वन. व्हेन यू वांट टू गेट ऑफ द डार्केस्ट ग्राउंड द ग्रेविटी पुल्स यू स्ट्रेट डाउन अर्थ फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू. You should grow feathers and see this too.
My next item is this maroon and peach color solid kurta with trouser. Material is polyester and this kurti has a shirt collar, three-quarter sleeve and high-low hai, multiple slit ke saath hai. Front mein buttons bane hue hain, back pe buttons bane hue hain. So ye button front wale open hote hain and aap chahe to ise as a shrug bhi use kar sakte hain. So ye jo trouser set hai ye thodi different hai, different isliye hai kyunki aap iske design dekh sakte hain. Bahut hi unique kind of design hai. Front pe ye slit bhi side mein bani hui hai and jab aap iski back dekhenge to back pe puri buttons लगी हुई है एंड वो बटन्स ओपन होती है. सो अगर आप चाहें तो उसे ओपन करके भी यूज कर सकते हैं एंड फ्रंट का भी ओपन होती है तो उसे एज अ शर्ट भी यूज कर सकते हैं. मैंने बैक ओपन करके नहीं दिखाया क्योंकि ट्राउजर हिप एरिया में थोड़ी सी मुझे फिट हो रही थी एंड वो ओपन करके बहुत ही अजीब सा लग रहा था. सो मैंने इसे ओपन नहीं करा. बट अगर आप चाहें तो इसे प्लाजो या किसी भी स्कर्ट में भी पहन सकते हैं एंड उसे ओपन करके थोड़ी स्टाइलिश लुक दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही स्टाइलिश एंड बहुत ही क्लासी पीस है ये. तो मटेरियल इसका शाइनी शाइनी है और लोअर एंड अपर पार्ट दोनों थोड़ी सी शाइन वाली मटेरियल है. तो डेली यूज़ के लिए नहीं है ये. आप किसी छोटे मोटे पार्टी और फेस्टिवल में आराम से यूज़ कर सकते हैं एंड स्कर्ट के साथ भी ये बहुत ऑसम लगेगा. मैंने इसे पेयर करा एक सिंपल नेकलेस के साथ. आप चाहें तो एथनिक ज्वेलरी भी डाल सकते हैं. ये बहुत ही खूबसूरत एंड यूनिक कुर्ता सेट है एंड आई रिकमेंड दिस वन. नेक्स्ट आइटम इज दिस ऑफ व्हाइट एंड पिंक सॉलिड टॉप विद प्रिंटेड प्लाजो. मटेरियल इज प्योर कॉटन एंड दिस ए लाइन टॉप हैज अ थ्रेड वर्क डिटेलिंग एंड अ गोटा पट्टी वर्क. हैज अ मैंडरिन कॉल एंड थ्री क्वार्टर स्लीव. फॉइल प्रिंट पूरी प्लाजो पे बनी हुई है. मैंने इसे पेयर करा है खूब सारे सिल्वर ज्वेलरीज के साथ क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है तो इतना तो ज्वेलरी बनता है. सो गाइज इस पे मिंत्रा वालों ने मुझे एक्सेल साइज भेज दिया जबकि मैंने मीडियम साइज मंगाया था एंड आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों किया. बट मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी एक्सेल साइज का हॉल बनाओ. तो एक्सेल साइज को हॉल में नहीं बना पाती क्योंकि मैं हॉल बनाने के बाद उनका करूंगी क्या. सो बाय लक और बाय चांस मुझे रिसीव हो गया तो मैंने इसे वेयर करके दिखा दिया. सो अगर आपकी साइज एक्सेल है और डबल एक्सेल है तो ये आप पे बहुत अच्छी लगने वाली है. ये कुर्ती सेट बहुत ही औसम है और शॉर्ट कुर्ती के साथ जब वो फ्लेयर हेम है एंड फ्लेयर प्लाजो वो बहुत ही औसम लग रही है. बहुत ही फेस्टिवल वाइब्स दे रही है एंड आप इसे नॉर्मल किसी छोटे मोटे फंक्शन में पहन सकते हो. सो आई रियली लाइक दिस वन एंड रिकमेंड दिस वन क्योंकि इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है. मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई. This off white and grey printed kurta with plazo. Top fabric is pure cotton, bottom fabric is viscose rayon and this kurta has a three quarter sleeve, round neck, flared hem and front slit ke saath hai. Iski jo trouser plazo hai wo bahut hi khoobsurat hai. Iska material bahut hi awesome hai grey color mein, like bahut hi soft, bahut hi comfortable material hai and aap chahe in future aap top ke saath bhi pehen sakte hain ise. So front pe buttons bane hue hain and kurti bahut hi simple hai. फ्रंट स्लीट के साथ है, सामने से पूरी ओपन है एंड मुझे लाइट वेट भी लगी, बहुत कंफर्टेबल भी लगी. मैंने इसे पेयर करा है ज्वेलरी सिल्वर ज्वेलरीज के साथ. आप चाहें तो आप इसे बिना ज्वेलरी के कॉलेज, ऑफिस, किसी भी ओकेजन में वेयर कर सकते हैं एंड इन फ्यूचर कुर्ते को आप एक सिंपल ब्लैक स्कर्ट, वाइट स्कर्ट में भी वेयर कर सकते हैं. सो मुझे ये पहनने में बहुत कम्फर्टेबल लगी, बहुत लाइट वेट लगी एंड मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं आप इसे. सो आई रिकमेंड दिस वन ऑल्सो. My
My next item is this peach color and golden block print top with dhoti pant. Material is viscose rayon and this kurta has a round neck, thick water sleeve, type detailing back pe hai and bahut hi khoobsurat dhoti pant hai ye foil prints ke saath. Thoda material iska light hai, like patla thoda material hai iska. Aapko bahut hi carefully use karna padega. Festival ke liye perfect hai and sabse best part mujhe iski lagi, iski jo kurti short wali bahut sundar lag rahi hai. To jitne bhi request mujhe short height ladki ladkiyon ke liye aata, like di mujhe short height ke कुछ बताइए, तो शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए परफेक्ट है. मेरी हाइट 5'4" है एंड मैंने इसे पेयर करा, मुझ पर थोड़ी सी छोटी हो रही है बट फिर भी मैं इसे वेयर कर सकती हूँ. तो जिनकी भी हाइट इससे कम है उन पे ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी एंड इस पर आपको कलर्स ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, तो आप वो ज़रूर चेक करें एंड फेस्टिवल में इसे आराम से इंजॉय करें. सो मुझे ये बहुत पसंद आई. सिर्फ एक चीज़ अच्छी नहीं है, इसका मटेरियल थोड़ा सा लाइट वेट है. तो अगर आप मटेरियल पर ध्यान देना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी इसे इग्नोर करें, बट अगर आपको मटेरियल ये चलेगा थोड़ा सा पतला काइंड ऑफ मटेरियल तो आप इसे. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. माई नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज दिस ग्रीन एंड मरून प्रिंटेड टॉप विथ ट्राउजर. सो गाइज ये मुझे बहुत ज़्यादा फिट हो रही थी इसलिए मैंने ये अपने सिस्टर को दे दिया एंड वही पहनकर ही आपको दिखा रही है. और इस पर मैंने मीडियम साइज़ मंगाया था बट मुझे ट्राउज़र बहुत ज़्यादा फिट हुई, बहुत ही वल्गर लुक दे रही थी सो मैंने इसे ट्राई नहीं करके दिखाया. सो ये ट्रिप इज सेट है, क्रॉप टॉप के साथ ट्राउज़र है, उसके साथ ही एथनिक जैकेट एंड क्रॉप टॉप और सब में फॉइल प्रिंट्स बने हुए हैं. अक्स ब्रांड का है ये. फॉइल प्रिंट निकलने की चांसेस है बट अगर आप उसे अच्छे से वॉश करके मेंटेन करोगे तो वो नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं फॉइल प्रिंट्स को ऐसी तरीके से मेंटेन करती हूँ. और ये मैंडरिन कॉलर के साथ है. फ्रंट एथनिक जैकेट पर हाइलो हेम है एंड मटेरियल प्योर कॉटन है, तो एक बहुत अच्छी बात है. एथनिक जैकेट को आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं और स्लीवलेस क्रॉप टॉप पैंट भी यूज़ कर सकते हैं. थोड़ा सा लॉन्ग हुआ ये मेरे सिस्टर को, उसे थोड़ा सा कटवाना पड़ेगा. लाइक बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आती है दी शॉर्ट हाइट के लिए, स्लिम लड़कियों के लिए कुछ बनाए, तो इस टाइप के जो ड्रेस होते हैं एथनिक जैकेट के साथ वो स्लिम लड़कियों पे बहुत अच्छे लगते हैं. और ऐसे जो पैंट्स होते हैं थोड़ा सा बस वो कट करा लेगी, तो लॉन्ग हाई वेस्टेड पैंट्स जो होते हैं उस पर आपकी हाइट और भी लंबी लगती है. तो इसलिए शॉर्ट हाइट लड़कियों को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि वाइड लेग पैंट्स ही वो पहने. सो आई रियली रिकमेंड दिस वन एंड लाइक दिस वन. टुडेज वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और भी हॉल्स वीडियो देखने के लिए एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. बाय.